गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विवेक त्यागी एंड आई एम पीजीटी फिजिक्स एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड क्लास ऑफ चैप्टर टू ऑफ 11 फिजिक्स. चैप्टर टू ऑफ 11 फिजिक्स इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. कल हमने इसका पहला क्लास लिया था और आज हम दूसरी क्लास से स्टार्ट करेंगे. कल मैंने आपको लास्ट में जो छोड़ा था वो मैंने आपको कुछ बहुत छोटी और कुछ बहुत बड़ी यूनिट्स ऑफ लेंथ के साथ छोड़ा था. छोटी यूनिट थी 1 फर्मी, तो 10^-15 मीटर होती है. और इसके अलावा मैंने आपको 3 बड़ी यूनिट्स ऑफ लेंथ लिख कर दी थी और आपके लिए असाइनमेंट था, होमवर्क था कि आप उनकी डेफिनेशन पढ़ें और उनकी वैल्यू याद करें. आज एक बार फिर उन्हीं बड़ी यूनिट्स ऑफ लेंथ के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहली यूनिट जो लेंथ की है, जो बहुत बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ, बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, आपको ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ, पहली है 1 AU. हेयर AU स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है. हमें पता है कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है. ये जो चक्कर लगाती है वो चक्कर इलिप्टिकल चक्कर होता है. ये सर्कुलर ना होके ये वाले जो पाथ की शेप है इसे हम इलिप्स बोलते हैं और इस पाथ को हम इलिप्टिकल बोलते हैं. अगर सन को मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दूं एस, तो समझिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन करते हैं बच्चों कि सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस है. सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि जब अर्थ यहाँ आएगी तो सन से उसकी दूरी कम हो जाएगी और जब अर्थ इधर चली जाएगी तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी. तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन सारी दूरियों का एवरेज है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. एंड ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है और ये वैल्यू भी आपको याद कर लेनी है. ये वैल्यू है 1.496 × 10^15 मीटर. इसे राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 1.5 × 10^15 मीटर. तो ये सूरज और धरती के बीच की दूरी है. अगर इस दूरी को हम नोन यूनिट्स में लिखें, ये SI यूनिट है, हम किसी ऐसी यूनिट में लिखें जो हमें ज्यादा प्रैक्टिकली समझ आती है, तो ये दूरी है बच्चों 15 करोड़ किलोमीटर. 15 करोड़ किलोमीटर, तो सूरज और धरती के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर या 1.5 × 10^5 मीटर बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूनिट की तरह इस्तेमाल की जाती है. जैसे धरती से अगर हमें किसी और स्टार की दूरी मेजर करनी होगी तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम एक स्केल मान लेंगे. और फिर अगर कोई दूरी एक्सप्रेस होती है इस तरह से कि मान लीजिए वो दूरी 20 AU है, तो यहाँ पे 20 AU का मतलब होगा कि सूरज और धरती के बीच की दूरी से 20 गुना दूरी है. 1 AU है, ये आपको वैल्यू याद करनी है. दूसरी लार्ज
यूनिट जो है डिस्टेंसेस के मेजरमेंट की वो है लाइट ईयर। वो क्या लाइट ईयर? लाइट ईयर आप लोग शायद छुट्टी कक्षा में भी आपको इंट्रोड्यूस हो चुका है। वन लाइट ईयर की परिभाषा है, हम सब लोग समझते हैं। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ की। जैसे ये एक बड़ी यूनिट ऑफ लेंथ है, हम दूसरी यूनिट ऑफ लेंथ पर आ रहे हैं। तो यूनिट बहुत बड़ी होनी चाहिए, उसका एक एग्जांपल है लाइट ईयर। हम जानते हैं कि लाइट बहुत तेज गति से ट्रेवल करती है। यदि आप लोग जान आप लोगों को ध्यान है तो आप बता सकेंगे कि लाइट की स्पीड क्या है। लाइट की स्पीड को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो ये 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड आती है। 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि लाइट 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। अब 3,00,000 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस होती है ये हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम अपनी दैनिक जीवन में या डे टू डे लाइफ में 3,00,000 किलोमीटर जैसी बड़ी डिस्टेंसेस से कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते। हम स्कूल जाते हैं जो 2-3 किलोमीटर होता है, दूसरे शहर जो 40-50 किलोमीटर होता है, और यहाँ से कन्याकुमारी भी जाएं तो वो भी 2 या 2,500 किलोमीटर है। यहाँ से अमेरिका की डिस्टेंस लगभग 15,000 किलोमीटर है। तो जब हम 3,00,000 किलोमीटर जैसी डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो वो हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि 3,00,000 किलोमीटर कितना होता है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का सर्कमफेरेंस, अगर हम पृथ्वी के एक पॉइंट से चलें घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो ये जो सर्कमफेरेंस है ये लगभग 40,000 किलोमीटर है। हमारी धरती का पूरा राउंड अगर हम चक्कर लगा दें और वहीं आ जाएं तो ये 40,000 किलोमीटर है। यानी धरती पे सबसे बड़ी दूरी जो हम एक बार में तय कर सकते हैं अगर हम सीधी रेखा में चलें तो वो 40,000 किलोमीटर है, जबकि लाइट 1 सेकंड में ही 3,00,000 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट 1 सेकंड में धरती के 7.5 चक्कर लगा सकती है। तो लाइट इतनी तेज ट्रेवल करती है। अब हम समझते हैं कि लाइट की स्पीड को कैसे यूनिट ऑफ लेंथ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लाइट की स्पीड है। हम वापस लाइट ईयर के डेफिनेशन में आते हैं। एक लाइट ईयर ऐसे डिफाइंड है कि हम किसी सोर्स से एक लाइट को ऑन कर दें और फिर हम ओपन स्पेस में एम्प्टी स्पेस में उस लाइट को ट्रेवल करने दें। यहाँ पर वैक्यूम है, कोई एयर या कोई और मीडियम भी नहीं है। तो एक साल में लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यहाँ पे वैक्यूम मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि एयर या कोई और मीडियम आ जाएगा तो लाइट की स्पीड थोड़ा घट जाएगी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी घट जाएगी। तो हम डेफिनेट तौर पे ये नहीं कह पाएंगे कि लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। वो डिस्टेंस कितनी होगी? ये लाइट की स्पीड है। हमें पता है कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, और लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमने उसे टाइम कितना दिया है? हम कह रहे हैं कि अगर वो 1 साल चलती रहे, और 1 साल मतलब 365 डेज, या हम इसे 365.25 लिख सकते हैं एग्जैक्ट, चूंकि ये 25 या 1/4 दिन जो हर साल में 365 से एक्स्ट्रा होता है, ये 4 दिन मिलके ही
वो 366वां दिन बनाते हैं, जिसे हम लीप ईयर में फरवरी का 29वां दिन कहते हैं। तो स्पीड ये इनटू टाइम, लेकिन टाइम अभी डेज में एक्सप्रेस है, और हमने कल ये बात समझी थी कि टाइम को हम सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। तो इस टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए पहले हमने इसे 24 से मल्टीप्लाई करके आवर्स में कन्वर्ट किया, फिर अगर हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वांटिटी को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें 1 लाइट ईयर की वैल्यू मिल जाती है, जो 9.46 × 10^15 मीटर आती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10^15 मीटर है, और 1 लाइट ईयर 9.46 × 10^15 मीटर है, यानी लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लगभग 6 गुना बड़ी यूनिट है। लाइट ईयर का इस्तेमाल भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने में किया जाएगा, जैसे धरती से नियरेस्ट सन के अलावा नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस, या दो अर्थ के दो नियरेस्ट स्टार्स के बीच की डिस्टेंस, उसके लिए भी लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम तीसरी यूनिट, बड़ी यूनिट की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको कल लिख कर दी थी, वो है 1 आरसेक। तीसरी बड़ी यूनिट है 1 आरसेक। पार्सेक इसका छोटा नाम है, और इसका पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकंड। वन पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकंड डिस्टेंस के मेजरमेंट की सबसे बड़ी यूनिट है, और इसकी डेफिनेशन भी समझने में थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 लाइट ईयर से भी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है। समझिए, 1 पैरालैक्टिक सेकंड या 1 पार्सेक कौन सी डिस्टेंस है। हम यू इमेजिन करें कि ये एक लाइन है जिसकी लेंथ 1 AU है। ये एक लाइन है जिसकी लेंथ है 1 AU। 1 AU मतलब वही डिस्टेंस जो सूरज और धरती के बीच की एवरेज डिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको 15 करोड़ किलोमीटर बताई। तो हम स्पेस में इमेजिन करें कि कहीं 1 AU या 15 करोड़ किलोमीटर की कोई लाइन है, कोई इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन अगर इसके पास में मैं कोई पॉइंट ड्रॉ करूं, तो ये लाइन इस पॉइंट पर एक सर्टेन एंगल सबटेंड करेगी। जैसे यहां पर ये लाइन इस पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रही है, उसकी वैल्यू हमें आंख से देखने पर लगभग 55 या 60 डिग्री की लग रही है। अब 1 AU 1 पार्सेक कौन सी डिस्टेंस है, उसके लिए आपको इस पॉइंट को इस लाइन से दूर ले जाना होगा। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसे इस लाइन से दूर ले जाएंगे, एंगल की वैल्यू लगातार घटती चली जाएगी। आपको इसे और दूर ले जाना है, और आप पाएंगे कि एंगल की वैल्यू और भी घट गई है। अब हमें इसे कितना दूर ले जाना है, हमें इसे दूर ले जाते हुए इतना दूर इस लाइन से ले जाना है, इस पॉइंट को, कि जहां से इस पॉइंट पर इस लाइन के द्वारा सबटेंडेड एंगल की वैल्यू घटकर सिर्फ 1 सेकंड की रह जाए। जब इस लाइन जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और ये पॉइंट पर ये लाइन जब 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी, तब इस पॉइंट और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस
1 parsec, वो डिस्टेंस 1 parsec कहलाएगी। तो डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 1 parsec एक 1 astronomical यूनिट की लाइन और एक पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस है, तब जबकि ये लाइन इस पॉइंट पी पर सिर्फ 1 second का एंगल सबटेंड कर रही हो। ये हम समझ सकते हैं कि चूंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है और इस पॉइंट को इस लाइन से, तो दूरी चूंकि बहुत ज्यादा है तो एंगल पास के पॉइंट पे तो बहुत बड़ा होगा। पॉइंट को आपको इतना दूर ले जाना है कि एंगल घटते घटते 1 degree का नहीं बल्कि उससे भी छोटा, 1 minute भी नहीं बल्कि उससे भी छोटा एंगल सिर्फ 1 second का रह जाए, तब ये दूरी जो होगी ये दूरी कहलाएगी 1 parsec। ये वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैल्यू होगी कितनी, क्योंकि हमने कल भी एक फॉर्मूला यूज किया था कि एंगल इक्वल टू आर अपॉन डिस्टेंस, एंगल इक्वल टू आर अपॉन डिस्टेंस। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर, आर कितनी है 1 AU और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है वो जिसे हम 1 parsec कहते हैं। अब देखिए 1 parsec कितना हो जाएगा, 1 parsec, तो 1 parsec हो जाएगा 1 AU, 1 parsec will be 1 AU, 1 AU upon theta, और थीटा हमने पहले ही डिफाइन किया है कि थीटा की वैल्यू 1 second होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में 1 second रख लेंगे, लेकिन सेकंड SI यूनिट तो है नहीं एंगल के मेजरमेंट की, तो इसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। कल हमने NCERT का एग्जांपल 2.1 समझा था जिसमें सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट किया गया था, तो थीटा की वैल्यू होगी 1 second और 1 second में ओके, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हम पाएंगे 1 AU मतलब 1.5 × 10⁻¹⁰ meter। हमने अभी पीछे जो 1 AU की वैल्यू लिखी बच्चों वो 1.5 × 10⁻¹⁵ meter लिख ली, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, वो वैल्यू 1.5 × 10⁻¹⁰ है, 15 मीटर नहीं है, 1.5 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय द एंगल 1 second, और 1 second होता है 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। 1 AU की वैल्यू आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये 1.5 × 10⁻¹⁰ है, 10⁻¹⁵ meter नहीं है, और डिवाइडेड बाय एंगल 4.85 × 10⁻¹⁶ रेडियन। जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आती है 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर, 3.08 × 10⁻¹⁶ meter, इसी को हम 1 parsec कहते हैं। तो ये पहले वाली डिस्टेंसेस की यूनिट से भी बड़ी है, ये लाइट ईयर से भी बड़ी है, क्योंकि लाइट ईयर में सिर्फ 10⁻¹⁵ था लेकिन इसमें 10⁻¹⁶ है। ये तीनों डेफिनेशन और इनकी वैल्यूज भी आपको याद कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अभी हम बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, और ये लार्ज डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए 3 units हमने समझी। अब हम डिस्टेंसेस के मेजरमेंट का एक, हम इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे थे, पैरेलैक्स एक इनडायरेक्ट मेथड है, सिमिलरली स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए भी एक इनडायरेक्ट मेथड है, उसकी जिक्र अब हम करेंगे।
मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस इज पैरेलेक्स मेथड एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस उसकी बात हम करेंगे। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस की जब बात करते हैं तो हम कितने स्मॉल तक डिस्टेंसेस के मेजरमेंट की बात करते हैं। हमें प्रोटॉन के साइज, उसके डायमीटर और रेडियस का मेजरमेंट भी फिजिक्स में किया जाता है, जिसकी वैल्यू लगभग 10^-30 मीटर है। लेकिन यहाँ पर हम प्रोटॉन के साइज के मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी हम बात करेंगे कि फोलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमें नेकेड आई से एटम हमें नहीं दिखता है, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे और आपके बीच में एयर के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हम उनमें से किसी को भी नहीं देख पाते हैं। तो मॉलिक्यूल का साइज, अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं तो वो भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें मिले हुए होते हैं और फिर भी उन्हें देखना हमारे लिए मुश्किल काम होता है। तो मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा है, उसके साइज का कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में एक टॉपिक है। ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज के मेजरमेंट की हम बात करेंगे। अब इसके लिए ट्रिक ये है, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज के मेजरमेंट के लिए ट्रिक ये है कि हमें ओलिक एसिड को पहले आप ये समझिए कि आपने देखा होगा कि यदि हम ड्रॉपर से किसी लिक्विड की ड्रॉप गिराते हैं तो वो ड्रॉप लगभग स्फेरिकल होती है। ये अगर ड्रॉपर है और ड्रॉपर से हमने एक लिक्विड की ड्रॉप गिरने से पहले अगर आप देखेंगे तो वो ड्रॉप पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन वो लगभग एक स्फेरिकल ड्रॉप होती है, और इसे छूटने के बाद जब वो गिर रही होती है तो वो और ज्यादा स्फेरिकल हो जाती है। अभी वो स्फेरिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ड्रॉपर ने उसके ऊपर वाले हिस्से को अपनी तरफ खींच के रखा है, लेकिन गिरते समय वो ड्रॉप लगभग स्फेरिकल हो जाती है। अगर इस ड्रॉप को हम किसी सरफेस पे गिर जाने दें या सरफेस पे हम जेंटली इस ड्रॉप को रख दें तो ये ड्रॉप थोड़ा फ्लैट हो जाएगी, तब स्फेरिकल नहीं रहेगी, और माना ये ड्रॉप इस तरह की शेप एक्वायर कर लेगी किसी सरफेस पर। अब हम समझ सकते हैं कि इस स्थिति में जब ड्रॉप, यहां मैंने ड्रॉप को बहुत मैग्नीफाई कर दिया है जिससे आपको क्लियर दिख जाए, तो ये जो ड्रॉप है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके ये ड्रॉप बनी हुई होगी। जैसे कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करूं तो इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस ड्रॉप में, और जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे होंगे, उन मॉलिक्यूल के साइज का हमें मेजरमेंट करना है। तो इसके लिए पहली ट्रिक ये है कि ये जो ड्रॉप है हम इसे डाइल्यूट कर लें, यानी ड्रॉप की जो अपनी नेचर होती है कि वो बंधी रहती है, वो अपने आकार को मिनिमम करके स्फेरिकल बना के रखती है। हम इसमें कोई ऐसा लिक्विड ऐड कर दें कि ये ऑयलिक एसिड की जो ड्रॉप है ये बंधे रहने के बजाय आसानी से फ्रीली बाहर की तरफ मूव कर सके, यानी कि जब मैं इस सरफेस पर डालूं तो ये ऐसे बंधी ना ही रहे बल्कि ये सरफेस पर फैल जाए। तो उसके लिए हम करते यूँ हैं कि इस लिक्विड ड्रॉप में हम थिनर के जैसी कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, और अल्कोहल थिनर का काम करता है। तो इस लिक्विड ड्रॉप में के साथ हम ढेर सारा अल्कोहल ऐड कर देंगे, उससे ये एक जगह जमने के बजाय सरफेस पर फैल जाएगी। हम इसे फैलाना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि जब ये फैल जाएगी तो हम इसे इतना फैलाना चाह रहे हैं सरफेस पे कि अभी जो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की लेयर्स से मिलके बनी थी, इसमें मॉलिक्यूल के लेयर्स की थिकनेस सिर्फ एक ही रह जाए, यानी ये पूरी सरफेस पर फैल जाए
और इसकी मॉलिक्यूलर थिकनेस बस एक मॉलिक्यूल के बराबर की बच जाए, तब इसकी जो थिकनेस होगी इस लेयर की वही हमारे ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की भी थिकनेस होगी, पर इसके लिए हमें इसे डाइल्यूट करना पड़ेगा। अब डाइल्यूट करने का क्या तरीका है? डाइल्यूट करने का तरीका ये है कि वन सेंटीमीटर वन ऑयलिक एसिड का हम वन सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और इस ऑयलिक एसिड के वन सेंटीमीटर क्यूब को हम ऐड कर देंगे अल्कोहल के साथ, क्योंकि हमें इसे बहुत डाइल्यूट करना है कि इसकी खट्टा रहने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाए और ये फैल जाए। तो हम इसमें ढेर सारा अल्कोहल मिलाते हैं, हम इतना अल्कोहल मिलाते हैं कि टोटल सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। कल ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और कमेंट बॉक्स में बच्चे ने आंसर भी किया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 ml। तो अल्कोहल इसमें कितना मिलाना है? इतना कि टोटल 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 ml हो जाए। तो उसके लिए हमें अल्कोहल मिलाना होगा 499 सेंटीमीटर क्यूब, जिससे टोटल लिक्विड हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन इसमें ऑलिक एसिड सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है। तो अगर हम ऑलिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें इस अल्कोहल के सॉल्यूशन में, तो वो सिर्फ 1/500 सेंटीमीटर क्यूब ही है। इस चीज के लिए हमें 499 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल की जरूरत पड़ी। क्या करने के लिए? कि कॉन्सेंट्रेशन पांच सौ सेंटीमीटर क्यूब में ऑलिक एसिड कितना है? सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? ओनली 1/500 ml। तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1/500, या कहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब इसके लिए हमें 499 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल की जरूरत पड़ी। हम एक ट्रिक यूज करते हुए इससे कम अल्कोहल, जी काफी सारा अल्कोहल है, ये लगभग आधा लीटर अल्कोहल है, हम इससे कम अल्कोहल यूज करते हुए भी अपने लिक्विड को या ऑयलिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को इतना घटा सकते हैं। उसके लिए हमें दो स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। वो दो स्टेप्स क्या है? हमें इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसके लिए स्टेप्स ये हैं कि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लें और इस ऑयलिक एसिड को हम 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के साथ मिक्स कर दें। टोटल हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा और इसमें ऑयलिक एसिड कितना होगा? 20 सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो हमें मिलेगा वो होगा 1/20। लेकिन हमें तो कॉन्सेंट्रेशन 1/500 करना है, तो फिर हम करेंगे यूं कि ये जो हमारा लिक्विड बना है इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें से हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हम फिर से लेंगे जिसमें ऑलिक एसिड सिर्फ 1/20 होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका लेंगे C1 का, और इसके साथ हम 24 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल और ऐड कर लेंगे अल्कोहल। जिससे टोटल 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और उस 25 सेंटीमीटर क्यूब में ऑयलिक एसिड सिर्फ 1/20 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगर आप यूनिटरी मेथड से ये निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले इस
सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड कितना होगा, तो आप पाएंगे कि वो 1/500 सेंटीमीटर क्यूब भी निकल कर आता है। यानी कि पहले हमने 499 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल यूज किया था, इस बार हमने दो स्टेप में सिर्फ 19 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरी बार 24 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ही यूज किया, यानी जस्ट 1/10, और हमें कॉन्सेंट्रेशन फिर से वही मिल गया। तो नॉर्मल ऑलिक एसिड के कंपैरिजन में ये बहुत ही डाइल्यूट ऑलिक एसिड का सॉल्यूशन बन गया है। अब हम इससे इसका साइज, ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज कैसे मेजर करेंगे, तो ये हम यू मेजर करते हैं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को या इस सॉल्यूशन को जिसके कॉन्सेंट्रेशन 1/500 सेंटीमीटर क्यूब था, अगर हम इसे किसी सॉलिड सरफेस पे डालेंगे तो सॉलिड पे वो उतनी सरलता से नहीं फैल पाएगा, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आके उन्हें बाहर जाने से या फैलने से रोकेंगे। तो इसके लिए हम यूँ करते हैं कि हम सॉलिड सरफेस पे इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को, इस ऑलिक एसिड के सॉल्यूशन को गिराने के बजाय हम इसे एक वाटर सरफेस पे गिराते हैं, क्योंकि वाटर के सरफेस मॉलिक्यूल के फैलने को उतना नहीं रोकेंगे, वो उसके साथ साथ बाहर की तरफ स्लिप कर सकते हैं। इसलिए हम सॉलिड पे इसे गिराने के बजाय एक वेसल में हम वाटर लेंगे और उस वाटर में हम इस ऑलिक एसिड के सॉल्यूशन को गिराएंगे। उससे पहले जब हम इसे गिराएंगे तो होगा यूं कि अल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाता है, आपने देखा है नेल पेंट जो होता है उसमें भी अल्कोहल होता है, तो नेल पेंट को जब हम नेल्स पे लगाते हैं, सॉरी नेल पेंट रिमूवर को जब हम नेल पे लगाते हैं तो वो नेल पेंट को डाइल्यूट कर देता है, घोल देता है। यही काम यहाँ पे अल्कोहल कर रहा है, लेकिन नेल पेंट रिमूवर क्या नेल पे लगा रह जाता है? नहीं, थोड़ी देर बाद वो इवेपोरेट होके ख़त्म हो जाता है। तो इसकी सरफेस पे जब हम ऑलिक एसिड का वो सॉल्यूशन डालेंगे जिसमें बहुत सारा अल्कोहल मिला हुआ है, सरफेस पे डालने पर वो मॉलिक्यूल फैल जाएंगे क्योंकि उनमें अल्कोहल मिला हुआ है और अल्कोहल ने उन्हें फैलने की क्षमता दे दी है। लेकिन अल्कोहल खुद इवेपोरेट हो जाएगा, यानी जो लेयर बनेगी लिक्विड की सरफेस पे वो सिर्फ ऑलिक एसिड की होगी, क्योंकि अल्कोहल बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन पानी की सरफेस पे वो जो पैच बनेगा जब मैं लिक्विड गिराऊंगा तो वो मुझे दिखेगा कैसे, क्योंकि ऑलिक एसिड भी पानी की तरह ही ट्रांसपेरेंट है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम पहले लिक्विड की सरफेस पे कोई पाउडर गिरा देते हैं, जो कोई भी कॉमन पाउडर हो सकता है। गर्मियों में जब हम टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं वो पाउडर इसकी सरफेस पे गिरा देते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर उसे कहा जाता है। वो पाउडर हम इससे गिराने के बाद फिर हम इसमें एक ड्रॉपर से उस सॉल्यूशन को गिराते हैं जो सॉल्यूशन अभी हमने तैयार किया था और जिसकी डेंसिटी है या जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1/500, उसको हम इसके सरफेस पर गिराते हैं। जब हम इसकी सरफेस पर गिराते हैं तो वो मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने उन्हें इतना डाइल्यूट बना दिया है, तो वो मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर एक सिंगल मॉलिक्यूल वाली लेयर बनाते हैं, और जहाँ पे ये लेयर बनती है वहाँ से पाउडर साइडवेज शिफ्ट हो जाता है और बीच में सिर्फ लिक्विड जो हमने गिराया है उसकी एक लेयर बन जाती है। अगर हम इसे टॉप व्यू देखें, ये इसका साइड व्यू है, अगर हम इस वेसल को ऊपर से देखें तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा, ये स्फेरिकल वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ हमने पाउडर गिराया था और जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो यूं इसकी सरफेस पर इकट्ठे हो गए एक सर्कल बनाते हुए, और इसकी थिकनेस सिर्फ एक मॉलिक्यूलर लेवल की इसकी थिकनेस है। यहां पे पाउडर है जो हमने डाला था जिससे हमें ये लेयर अलग से नजर आ जाए। अब जैसे ही ये लेयर बनेगी वैसे ही हम, जैसे ही ये सर्कुलर पैच बनेगा इस सरफेस पे जो ऊपर से देखने पे ऐसा है, हम इसका डायमीटर मेजर कर लेंगे। जब आपने एक बार इसका डायमीटर मेजर कर लिया, क्या कहिए आप, इसका रेडियस मेजर कर लेंगे, जब आपने इसका रेडियस मेजर कर लिया तो
जो हमने लिक्विड सरफेस पे गिराया है, जो साइड से देखने पे हमें ऐसा लग रहा है जो वन मोलिकुलर थिकनेस का है, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी थिकनेस वन मोलिक्यूल के बराबर है टी, और साथ में टॉप से देखने पे ऐसा लग रहा है, इसकी रेडियस भी हमने मेजर कर लिया है जो माना के आर है, तो हम ये जान सकते हैं कि जो लिक्विड टोटल हमने सरफेस पे गिराया है इसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ये एक सिलेंडर बन गया जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये इसकी थिकनेस है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है कि जो लिक्विड हमने सरफेस पे गिराया फॉलिक एसिड का, उसका वॉल्यूम है ये बेस का एरिया और ये मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट होगी टी, यानी ये इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर टी। अब ये बात ध्यान रहे कि इसमें अल्कोहल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल तो इवेपोरेट हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड भी है। जब हम गिराएंगे उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, अल्कोहल बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, और फिर जो हमारे पास बचा वो सिर्फ ऑयलिक एसिड है जिसका ये वॉल्यूम है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि हमने इसकी सरफेस पे टोटल वॉल्यूम गिराया कितना था, क्योंकि हमने लिक्विड जो गिराया था वो ड्रॉपर से गिराया था, और अगर ड्रॉपर से गिरने वाली एक बूंद का वॉल्यूम वी है और हमने टोटल एन बूंद गिराई थी, एन कुछ भी हो सकता है, एन हो सकता है दो चार या छः, अगर हमने टोटल एन बूंद गिराई थी तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वी इंटू एन, क्योंकि एक बूंद का वॉल्यूम वी है तो दो बूंद का टू वी, तीन बूंद का थ्री वी, और फोर ड्रॉप्स का फोर वी, एंड सिमिलरली अगर हमने एन ड्रॉप्स गिराई हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा एन वी। लेकिन ये जो हमने बूंद गिराई थी ये सिर्फ ऑलिक एसिड नहीं था, क्योंकि ये हमने ड्रॉपर से उस सॉल्यूशन में से लिया था जिसमें हर सेंटीमीटर क्यूब में ऑलिक एसिड सिर्फ 1/500 सेंटीमीटर क्यूब ही था। तो अगर टोटल वॉल्यूम मैंने एनवी गिराया है तो उस एनवी वॉल्यूम में से ऑलिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो है एनवी डिवाइडेड बाय 500, और यही वो वॉल्यूम है जो कि यहाँ पे हमें लिक्विड की इस सर्कुलर पैच की फॉर्म में मिल रहा है। तो एनवी अपॉन 500 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टी, इसे यूज करते हुए एन हमने बूंदें गिन ली थी कि कितनी गिराई है, वी एक ड्रॉप का वॉल्यूम था जो कि ड्रॉपर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा है कि दवाइयों की भी मेडिसिन के जो सिरप आते हैं उनमें भी कई बार ड्रॉपर होता है, विशेष तौर पे छोटे बच्चों का जो सिरप होता है और उस पे ml के मार्क लगे होते हैं, उसका बड़ी सरलता से मेजर कर सकते हैं कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होता है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमें पता है वी, कितनी ड्रॉप्स गिराई ये हमें पता है, 500 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जैसे ही सर्कुलर पैच बना उसका रेडियस, और टी वो थिकनेस है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में सारी क्वांटिटीज नोन है सिवाय टी के, और टी हमारे मॉलिक्यूल की थिकनेस है। तो इस तरह से हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो टी हो जाएगा एम वी अपॉन 500 पाई आर स्क्वायर। प्रॉपर यूनिट्स यूज करते हुए हम मॉलिक्यूल की थिकनेस निकाल सकते हैं जो लगभग 10^-10 मीटर के ऑर्डर की आती है। तो ये एक और इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम छोटी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कर सकते हैं। जब हमने कल चैप्टर मेजरमेंट शुरू किया था तो हमने बात की थी कि हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, मास और टाइम। कल हमने लेंथ के मेजरमेंट की बात की थी, आज भी अभी हम लेंथ के मेजरमेंट की ही बात कर रहे हैं। लेंथ के मेजरमेंट में हमने कुछ डायरेक्ट मेथड की बात की थी जहाँ पे हम एक स्केल को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रख देते हैं जिसका मेजरमेंट करना होता है उस ऑब्जेक्ट के, इसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो लेंथ का होता है उसमें हम डायरेक्ट स्केल को बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं रखते बल्कि कोई मैथमेटिकल या फिजिक्स की टेक्निक अप्लाई करके डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं।
ऐसा एक मेथड हमने कल पैरालैक्स मेथड समझा था, जिसमें हम डिस्टेंट स्टार्स या प्लैनेट्स की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आज हमने एक और इनडायरेक्ट मेथड यूज किया, जिसमें हमने ऑयलिक एसिड के मोलिक्यूल के साइज को एस्टिमेट किया। तो लेंथ के मेजरमेंट के बाद हम आगे चलते हैं मास के मेजरमेंट और टाइम के मेजरमेंट में, जिनकी कोई टेक्निक तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस या डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट हम मास और टाइम के मेजरमेंट का समझते हैं कि मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास में स्मॉल मास की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^-31 kg के ऑर्डर का होता है, 10^-30 kg के ऑर्डर का होता है इलेक्ट्रॉन का मास। और जब हम बात करते हैं मास ऑफ यूनिवर्स की, जो सबसे भारी हो सकता है, तो वो होता है 10^55 kg। यानी कि 1 kg का 10^30 पार्ट से लेके 1 kg के 10^55 टाइम्स तक हम मासेस का मेजरमेंट करते हैं। जो इतने स्मॉल मासेस हैं बच्चों, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास या मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, वो मासेस इतने छोटे मास मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम मास स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इतने छोटे मासेस मास स्पेक्ट्रो से मेजर किए जाते हैं, जबकि इतने बड़े मास या जैसे हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सन का मास या प्लैनेट जुपिटर का मास के मेजरमेंट की जब बात करेंगे, तो वो मेजरमेंट करने के लिए हमें ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं। सो टू मेजर वेरी स्मॉल मासेस वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोस्कोप। जो आप रिसर्च में जाएंगे या हायर क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे काम करता है, लेकिन बड़े मासेस जो हैं जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मास, उन्हें मेजर करने के लिए हम ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और वो आपके सिलेबस में है, ग्रेविटेशन चैप्टर है, वहाँ पे हम समझेंगे कि हम बड़े मासेस कैसे इससे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लेंथ के मेजरमेंट के लिए स्मॉलर यूनिट्स डेवलप की हैं और लेंथ के मेजरमेंट के लिए बिगर यूनिट्स भी डेवलप की हैं, इसी तरह से मास के मेजरमेंट के लिए भी, ये जो बहुत छोटे मासेस हैं इनके मेजरमेंट के लिए भी एक अलग यूनिट यूज की जाती है, जिसे बोलते हैं 1 AMU, या इसे कई बार सिर्फ 1 U भी कहा जाता है, 1 AMU और जस्ट 1 U, इट स्टैंड्स फॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी बहुत छोटे मासेस को मेजर करने के लिए। और ये मास होता कितना है, ये मास होता है बच्चों 1/12 ऑफ कार्बन 12, ये मास होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है 1.6, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है 1.6 इंटू 10^-27 kg। केमिस्ट्री में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और फिजिक्स में 12th क्लास में आपको इस मास की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट कहते हैं। 1.66 इंटू 10^-27 kg, बहुत छोटा मास है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, मास के मेजरमेंट में इतना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ टाइम।
मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक या सीजियम क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक और सीजियम क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक या सीजियम क्लॉक समय के छोटे से छोटी वैल्यू को भी मेजर कर सकता है, ये माइक्रोसेकेंड के भी हिस्सों को भी मेजर कर सकता है, और ये इतना एग्जैक्ट एटॉमिक क्लॉक या सीजियम क्लॉक होता है कि यदि हम किसी ऐसी क्लॉक को एक साल तक लगातार इस्तेमाल करें तो भी उसमें सिर्फ वन ईयर में भी उसमें सिर्फ प्लस माइनस 3 माइक्रोसेकेंड का ही डिफरेंस आता है, यानी ये समय के एग्जैक्ट मेजरमेंट को कर सकती है। आप समझ सकते हैं माइक्रोसेकेंड प्लस माइनस 3 माइक्रोसेकेंड का मतलब हुआ कि एक साल अगर हम यूज करें तो या तो ये 3 माइक्रोसेकेंड ज्यादा मेजर कर लेगी या 3 माइक्रोसेकेंड कम कर लेगी। प्लस मतलब ज्यादा और माइनस मतलब कम। माइक्रोसेकेंड कितना होता है बच्चों? 1 माइक्रोसेकेंड 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे साल में भी बस 1 सेकेंड के 10 लाखवें हिस्से के बराबर ही ये क्लॉक गलती करेगी, यानी ये समय को टाइम को एग्जैक्टली मेजर कर सकती है। टाइम के मेजरमेंट के लिए सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। मेजरमेंट में इतना ही है अभी। इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है मेजरमेंट जो अभी हमने कल और आज किया, दूसरा पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस जो हम अभी शुरू करेंगे, और इसके बाद तीसरा पार्ट है एरर एनालिसिस जो मेजरमेंट का ही एक्सटेंशन है कि जब हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ एरर भी हो जाता है। पहला पार्ट है चैप्टर का मेजरमेंट जो हमारा पार्ट खत्म हो गया, अब हम डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करेंगे और आज और कल में वो खत्म होगा, और कल के चैप्टर के खत्म करते करते हम तीसरा पार्ट भी इस चैप्टर का शुरू करेंगे जिसे एरर एनालिसिस कहते हैं। तो आइए अब डायमेंशनल एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनमें काफी इंटरेस्टिंग है, और 11वीं के बच्चों को हमेशा ये टॉपिक काफी पसंद आता है और आसानी से वो समझ भी जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस देखिए बच्चों, हमने कल समझी थी बात ये कि फिजिक्स में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती हैं उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी ही एक डेराइव्ड क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, जो है स्पीड। अब देखिए हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम स्पीड को यू भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इनटू टाइम रेस टू पावर माइनस वन, अगर मैं इसे न्यूमरेटर में ले जाऊं तो रेस टू पावर माइनस वन, और साथ में मैं डिस्टेंस की पावर प्लस वन भी लिख सकता हूं। तो स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस रेस टू पावर प्लस वन एंड टाइम रेस टू पावर माइनस वन। यहाँ पे इस डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस और फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस
कर लिया। अब इस प्रोसेस में फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स हमने लिखी है, ये पावर्स ही कहलाती है डायमेंशंस। जब हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को तोड़कर फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स जो होती है वो डायमेंशंस कहलाती है। यानी कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि स्पीड की डिस्टेंस में डायमेंशन प्लस वन है और स्पीड की टाइम में डायमेंशन माइनस वन है। तो बात एक बार फिर समझ लें कि डायमेंशनल एनालिसिस से पहले हम समझे कि डायमेंशंस क्या होती है। जब हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होती है वो इस डेराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस कहलाती है। अब एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, ये स्पीड का था। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है ओके लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ जो है वो भी एक डिस्टेंस है, ब्रेथ भी एक डिस्टेंस ही है और हाइट भी एक डिस्टेंस है। तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, और वॉल्यूम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस रेज टू पावर 3। यहां पे डेराइव क्वांटिटी वॉल्यूम को जब मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस की टर्म में एक्सप्रेस किया तो मेरे पास पावर बनी 3 या 3। तो यहां मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम का डायमेंशन डिस्टेंस में 3 है, स्पीड का डायमेंशन डिस्टेंस में 1 है और स्पीड का डायमेंशन टाइम में -1 है। तो डायमेंशंस की डेफिनेशन, डायमेंशंस आर द पावर्स विच आर रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। तो ये डायमेंशंस हैं। अब इसमें एक बात हम समझेंगे बच्चों कि स्पीड को इस तरह से एक्सप्रेस करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। इसके लिए हमारे पास एक और सुविधाजनक तरीका है। डायमेंशंस में इन सभी को एक एक सिंबल दे दिया गया है, हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को एक एक सिंबल दे दिया गया है। जैसे डिस्टेंस के लिए सिंबल है एल और उसे ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो स्पीड को हम लिखेंगे एल की पावर प्लस वन, और टाइम के लिए सिंबल है टी, तो टी की पावर माइनस वन। साथ ही साथ फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस लिखते समय एक सिंबल है, जैसे दो क्वांटिटीज की मैंने बात की, आइए सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स को समझ लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हमारे पास सभी बेस क्वांटिटीज के डायमेंशनल सिंबल है। पहली बेस क्वांटिटी है लेंथ या डिस्टेंस, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर। इन बच्चों ने कल पढ़ी थी वो मुझे आगे वो खुद रिकॉल कर सकते हैं कि और क्या क्या है। टेम्परेचर के बाद है ल्यूमिनस, ओके, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर आखिरी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
और इनके सिंबल है डायमेंशनल, लेंथ के लिए सिंबल है एल और साथ में एक ब्रैकेट लगाया जाता है, मास के लिए सिंबल है एम, टाइम के लिए टी, करंट के लिए कैपिटल ए, अभी देखिए सारे सिंबल कैपिटल है, टेम्परेचर के लिए, ये यूनिट्स नहीं है कि कैपिटल नहीं हो सकती है, ये सिर्फ सिंबल्स हैं, सिंबल्स कैपिटल हो सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जिसकी यूनिट मोल थी और जिसका यूनिट का सिंबल मोल था वही, इसके लिए डायमेंशनल सिंबल भी है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल है कैंडेला। सीडी, तो ये इन सब के डायमेंशनल सिंबल है जब हम ये हम यूज करेंगे फॉर्मूला लिखते समय। अब कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिख, कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करते हैं और बाकी काम आप खुद करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर्स 1 इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको आज के लिए असाइनमेंट या होमवर्क बता दूं। आज के लिए आपको करना है एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.15 एंड ये सॉल्व एग्जांपल्स हैं 2.15 एंड 2.16, और इसके अलावा एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चंस हैं 2.14 एंड 2.25। तो ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास और भी काफी काम है आज करने के लिए। हमारी एनसीईआरटी बुक जो है पार्ट 1, उसमें पेज नंबर 214 पे ढेर सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, तो आप वहां से इन्हें पढ़िए और अपनी नोटबुक में इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये आज के लिए काम है और कल हम ये समझेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को करने का फायदा क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। थैंक यू एंड बी सेफ एंड कीप इन टच। थैंक यू।